so now i'm uh, going to explain difference between growth and development we have uh, learned it before the uh, definition of growth and development so now we will come to know that what is the difference between growth and development so growth refers to physiological changes and uh, physiological changes that physically whatever is coming uh, uh, as a change uh, in the human body that is called growth और डिवेलपमेंट रिफ़र्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फ़िज़िकल चेंज का नाम नहीं है डिवेलपमेंट बल्कि ये आपकी जो है ओवरऑल uh, पर्सनालिटी जो है जिसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी है जिसमें आपका जो है फ़िज़िकल एस्पेक्ट भी है इसमें इसके अलावा जो है इमोशनल एस्पेक्ट है और सोशल एस्पेक्ट है तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जबकि ये ओवरऑल चेंजेस जो है इन द इंडिविजुअल जो है डेवलपमेंट इसकी बात कर रही है उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर फ़र्क है चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट इज़ टर्म्ड एज ग्रोथ ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी अलॉन्ग विद कोटिटेटिव एस्पेक्ट ये देखिए कि जो तब्दीली आ रही है ग्रोथ में वो सिर्फ आपकी क्वांटिटी में आ रही है कितना बढ़ रहा है कितने कद कितना बढ़ रहा है वेट कितना बढ़ रहा है और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कितना तब्दील हो रहा है तो कितने की जब हम बात करते हैं हाउ मच तो ये दैट इज़ शोइंग द क्वांटिटी तो ग्रोथ में सिर्फ आपकी जो है बॉडी क्वांटिटी के तौर पे बढ़ रही है जबकि जो डेवलपमेंट चेंजेस हैं इस डेवलपमेंट का जो इसमें चेंज है इट इज़ इन द क्वालिटी एलॉन्ग विद क्वान्टटिटी इसमें दोनों आस्पेक्ट्स हैं क्वांटिटी भी बढ़ रही है ज़ाहिर है वो तो एक तभी अमर होता है जिसमें आपकी इंसानी शख्सियत जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ती है उसको कोई जो है वो रोक नहीं सकता तो तबन जो है आपका इंक्रीज आ रहा है फ़िज़िकल वो भी है डिवेलपमेंट्स में शामिल क्यों डेवलपमेंट में चार एस्पेक्ट्स जो हैं उनकी इंक्रीज है जिसमें आपका फ़िज़िकल चेंज है जिसमें आपका जो है वो मैंटल uh, चेंज आ रहा है इमोशनल चेंज आ रहा है और सोशल चेंज आ रहा है तो इसलिए डिवेलपमेंट जो है ये ओवरऑल चेंज का नाम है जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ आपकी जो है फ़िज़िकल चेंज का नाम है और इसको क्वांटिटेटिव है तो ये मेजरेबल भी है जबकि जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटी है अलॉन्ग विद क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट क्वान्टिटिटी में भी बढ़ रही है चूँकि फिजिकल एस्पेक्ट भी शामिल है डिवेलपमेंट के अंदर जबकि इसमें बाकी एस्पेक्ट्स की भी इंक्रीज हो रही होती है तो क्वालिटेटिवली का मतलब ये है कि इसमें आ, जो तब्दीली आ रही है इमोशनल चेंज आ रहा है इसमें सोशल चेंज आ रहा है और कॉग्निशन का चेंज आ रहा है तो वो एक तो उम्र के साथ आ रहा है एक दूसरा इन्वामेंट के इंट्रैक्शन के साथ आ रहा है तो ये इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इसके अलावा देखिए ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है एक खास उम्र के हिस्से में जाके एक आपका कद बढ़ना जो है वो रुक जाता है आपका जो है वेट तो है सारी ज़िंदगी बढ़ता है वो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी जो है खुराक का जो है तनासब तो रखते हैं जबकि डेवलपमेंट जो है ये आपके पैदाइश से लेके मरने तक जो है ये जारी रहता है अमल क्यों क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है डेवलपमेंट में कि आप जो है इंक्रीज जो आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा होता है वो सिर्फ उम्र के साथ नहीं आ रहा बल्कि इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन से भी आ रहा होता है तो ज़ाहिर है जितनी देर तक इंसान ज़िंदा रहता है वो अपने इन्वायरमेंट से इंट्रैक्ट करता रहता है इसलिए इस पॉइंट को इस तरह से समझेंगे हम कि ग्रोथ जो है एक ख़ास उम्र के हिस्से में जाके आपकी जो है वो हत, बढ़ना बंद हो जाता है इंसान का बल्कि जैसे हम कहते हैं कि पच्चीस साल के बाद जो है वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है ह्यूमन पर्सनैलिटी ह्यूमन बॉडी का कि उसके बाद जो है वो आपकी जो ग्रोथ है वो मुकम्मल हो जाती है लेकिन डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ये आपका सारी ज़िंदगी जो है वो जारी रहता है ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मेचोरेशन येस द ह्यूमन कम्स टू द मेचोरेशन लेवल मेचोरेशन लेवल क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र की मुख्त लोगों ने मुख्त हद बताई है जैसे हर मुल्क के लिहाज से इंसान की एवरेज एज भी डिफरेंट है तो इसी तरह से अभी हम कहते हैं कि जैसे बीस साल के बाद जो है या कई लोगों का पंद्रह साल के बाद या कई ये डिपेंड वेरीज है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन यू नो पर्सनैलिटी बिकॉज इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट का मतलब है जिस हिसाब से फूड कोई ले रहा है जिस हिसाब से उसकी जो है वो सेहत का दारोमदार है उस हिसाब से उसकी मेचोरेशन जो है वो होती है जनरल पैटर्न को तो हम सब फॉलो करते हैं लेकिन हमने जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि कितना आपका इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन है डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव ये बढ़ती रहती है ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंसान के सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं उसकी हड्डियाँ बढ़ती हैं उसी हिसाब से उसके अंदर जो है साइज में और उसके वेट में तब्दीली आती है डिवेलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मेचोरेशन एंड इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट सो दैट इज़ वेरी नाउ क्लियर कि ये सिर्फ सेल्स की मल्टीप्लिकेशन का डिवेल्पमेंट नाम नहीं है बल्कि इन्वामेंट के साथ इंट्रेक्शन के साथ आपके ओवरऑल बिहेवियर में जो तब्दीली आती है उसका नाम डिवेलपमेंट है ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिवेलपमेंटल प्रोसेस ग्रोथ इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द डिवेलपमेंटल प्रोसेस जबकि डिवेल्पमेंट जो है इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कि जो डिवेलपमेंट है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंज का नाम है डिवेलपमेंट ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज का नाम है ग्रोथ मे बी रिफर टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म खास आपकी बॉडी का जो एक हिस्सा है राइट साइड लेफ्ट साइड या आपका हेड साइज़ या आपकी हाइट या आपका जो वेट है किसी एक को जैसे हम मेजर करना चाहते हैं तो उसका नाम है डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज़ अ होल एज अ होल जी ये इंसान हेल्दी है हेल्दी जो है वो सिर्फ आपके जिस्म की वजह से हेल्दी नहीं होता बल्कि ये मेंटली भी हेल्दी है इसके अलावा सोशली भी हेल्दी है इसके अलावा इमोशनली भी हेल्दी है ये नहीं है कि इमोशनली जो बच्चा रह गया जबकि मेंटली वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है लेकिन उसको नहीं पता है कि इमोशंस को कहाँ पे और कैसे डिस्क्राइब करना है अपनी उम्र के मुताबिक तो डेवलपमेंट जो है ये ओवरऑल प्रोसेस है द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ एंड सब्जेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली दे आर एस थ्रू थ्रू की ऑब्जर्वेशन इन द बिहेवियर जो ग्रोथ है इसकी डिवेलपमेंट जो है उसको मेजर करना आसान है क्योंकि वो हमारे पास स्केल्स हैं जिसके साथ हम उसको मेजर करते हैं हाइट और वेट अब इधर डेवलपमेंट जो है चूँकि इसकी इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ है उसके थ्रू भी तब्दीली आ रही होती है तो ये आसान नहीं होता कि हम कहें कि इसका बिहेवियर कितना अच्छा है या इसकी जो है वो इसकी जो दोस्तियाँ हैं या सोशलाइजेशन है वो कितनी है कितनी होनी चाहिए किस तरह से एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए ये बड़ा मुश्किल है तो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को मेजर करना जो है वो बहुत मुश्किल है इसलिए उसको क्वालिटेटिव इंक्रीज़ कहते हैं जबकि जो ग्रोथ है इसको हम क्वांटिटेटिव इंक्रीज़ कहते हैं ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये सिर्फ फिज़िकल इंक्रीज के साथ इसका ताल्लुक है जबकि डेवलपमेंट जो है ये पॉसिबल है ग्रोथ के बगैर क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर चारों आस्पेक्ट शामिल हैं फिज़िकल भी इमोशनल भी और मेंटल भी और उसके बाद जो है वो सोशल भी